हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे एनजेडी कैट के ऊपर। तो आज देखते हैं कि मार्केट में मैं बात करूंगा, पहले तो मैं बता दूंगा मार्केट कहाँ जा रहा है, कहाँ वैसे तो मार्केट सेल कर रहा है और मार्केट अभी और सेल आएगा। तो अब हम बात करेंगे कि एंट्री किस जगह लेनी चाहिए, किस तरीके से हमें एंट्री फाइंड करनी चाहिए, कैसे हम एंट्री को फाइंड कर सकते हैं, कैसे पता करें कि हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी है और नहीं लेनी है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो चल सकता है ये चीज़, क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ प्रॉफिट वाली बात। तो आज हम चलते हैं, सीधा लेके चलते हैं किस तरीके से हम एंट्री फाइंड करते हैं। तो अभी तो मार्केट देखिए नीचे गिर रहा है, अभी यहाँ पे कोई बाय का प्रेशर नहीं है, जो कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगा तो मार्केट यहाँ से सेल आने वाला है, तो मार्केट सेल गिरता रहेगा और हम देखते रहेंगे यहाँ पे मार्केट को, जो कि मार्केट यहाँ पे सेल आता रहेगा। ठीक है, चलते हैं। तो अभी हम देखते हैं टाइम फ्रेम हमारा है H4, काफी लंबा समय है इसमें, यानी कि मार्केट काफी लंबे समय से घूम रहा है इधर उधर ऊपर नीचे। तो देखते हैं हम क्या क्या मिलता हमें यहाँ पे ढूंढने के लिए। आज थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे, देखिए मार्केट अप डाउन चल रहा है, तो मार्केट दोबारा डाउन का दे रहा है, तो दोबारा डाउन कर रहा है मार्केट। तो अब हम बात करेंगे पहले थोड़ा सा प्राइस एक्शन के बारे में। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं ड्रॉ करूँ कुछ तो देखने को मेरे को ये मिलता है, यहाँ से मार्केट ब्रेक होता है, ब्रेकआउट के बाद सीधा मार्केट नीचे गिरता है, उसके बाद मार्केट यहाँ तक आ जाएगा आराम से। क्यों आएगा, रीजन क्या है, देखिए टाइम फ्रेम है हमारा H4 और मार्केट काफी दिनों से नीचे गिरा था, तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, अपने एक सपोर्ट लेवल लिया। यानी देखिए जब हमारा जो इंडिकेटर होता है, मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, और मान लीजिए ये हमारा एक इंडिकेटर का बेस है, जैसे कि मैं नीचे अगर इंडिकेटर को अगर यहाँ पे ऐड कर दूँ नीचे इस बेस में अगर हमारा इंडिकेटर हो, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ इंडिकेटर, हमारा इंडिकेटर किस तरीके से चलता है। मार्केट नीचे गिरता है तो मार्केट इंडिकेटर जो होगा इस तरीके से, मतलब इंडिकेटर इस तरीके से सस्टेन करेगा नीचे, क्यों, क्योंकि मार्केट रेगुलरली नीचे आ रहा है। तो देखिए मार्केट अगर यहाँ से इंडिकेटर यहाँ से मान लीजिए अगर इंडिकेटर ऊपर जाता है तो मार्केट इंडिकेटर दोबारा नीचे आता है। मैं लॉजिकली बात करूंगा जो लॉजिकली यहाँ पे प्रैक्टिकली हो सकता है, तो इंडिकेटर इस प्रकार चलेगा, इस प्रकार थोड़ा सा ऊपर नीचे, जब ऊपर तब बनेगा जब ये हल्के सी ऊपर की मार्केट देखना, तो मार्केट को इस तरीके से चलेगा। अब देखिए मार्केट यहाँ से काफी ऊपर गया, तो मार्केट इस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके से मार्केट आएगा, यानी कि इंडिकेटर भी बताता है कि मार्केट किस तरीके से चलना है उससे। तो देखिए मार्केट यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले लेता है, फिर मार्केट यहाँ से सीधा नीचे गिरेगा। ये तो हमारी हो गई इंडिकेटर के हिसाब से तरीका ढूंढने का कि मार्केट, देखिए मार्केट जरूरी नहीं मार्केट हमेशा इस तरीके से चलता है रेंज में, एक बार तो मार्केट ऊपर जरूर जाएगा, तो इन सबको जब तोड़ता है मार्केट तब भी आप पता कर सकते हो कि हाँ मार्केट का चेंज ट्रेंड जो है चेंज हो गया है। तो ये तो हमारा ये हो गया। मैंने प्राइस एक्शन अभी दिखाया था आपको, फिर से मैं एक बार दूसरा ड्रॉ कर देता हूँ दूसरी तरीके से, जैसे कि फर्स्ट तो हमारा ये लाइन था जो हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं इसको, और सेकंड होगा अगर हम टॉप से अगर कुछ लें तो देखते हैं कुछ मिलता है नहीं मिलता है हमें। आई थिंक मैं ये रख सकता हूँ, देखिए फर्स्ट यहाँ टच होता है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और मार्केट यहाँ से ब्रेक करके और ये रिटेस्ट भी लेती है एक पल के लिए, रिटेस्ट भी हो चुका है, तो मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पर रिटेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, देखिए मार्केट एक बार डबल बॉटम बनाता है, तो मैं इसको एक बार ये देखिए एक और ये सेकंड टू, तो दो बार मार्केट बॉटम बनाता है, तो बड़ा टाइम फ्रेम है तो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा कुछ, पर दो पिने देखने को मिल रही होंगी सिर्फ, तो ये डबल बॉटम है। और देखिए एक छोटे फ्रेम में देखिए ट्रेंड ने एक बार तोड़ा, फिर मार्केट दोबारा आता है डबल दूसरा बॉटम बनाता है, मार्केट एक बार में दूसरा ट्रेंड तोड़ता है, यानी कि इस ट्रेंड को मार्केट डायरेक्टली तोड़ देता है, ये तो हमारे दूसरा होगा। फिर मार्केट क्या करता है, हाइयर हाई बना देता है एक बार में, यानी कि मार्केट इस ट्रेंड को नहीं तोड़ पाता, डायरेक्टली क्या करता है मार्केट इस ट्रेंड के बाद सीधा ऊपर निकल जाता है, ऊपर निकल गया मार्केट, और मार्केट ने क्या किया इस प्राइस एक्शन लाइन को तोड़ दिया एक बार में, तोड़ने के बाद मार्केट क्या करता है सीधा रिटेस्ट लेता, रिटेस्ट कर मार्केट सीधा ऊपर निकल जाता है। देखिए मार्केट यहाँ तक ऊपर निकल गया, फिर आप यहाँ पे भी प्राइस एक्शन बना सकते हो, ट्रेंड लाइन फॉलो कर सकते हो ये किस तरीके से मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है। तो इस तरीके से हमने ये पता कर लिया कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज करता है, तो आप सिर्फ बाय की एंट्री लें यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि हमें एंट्री कैसी कैसी लेनी है, हम एंट्री को किस तरीके से फाइंड करते हैं। हम आते हैं पहले छोटे टाइम फ्रेम पे, हमें पता है मार्केट अप डाउन आ चुका है, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे सेल की एंट्री फाइंड करनी है, आपको कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ सेल सेल ढूंढना है, और सेल सेल आपको कब मिलेगा मैं इंडिया के अकॉर्डिंग आपको टाइम बता देता हूँ, आपको 12 बजे या 11 बजे से, देखिए अभी यहाँ पे बजे 11:20 हो रहा है कॉर्नर पे देख सकते हैं आप, तो 11 बजे के आसपास आप बैठिए लैपटॉप लेके, तो आप फाइंड कर सकते हैं कि जो भी आपको ब्रेकआउट या देखिए लॉन्ग टर्म अगर सेल चल रहा है मार्केट, तो आपको सिर्फ सेल की एंट्री फाइंड करनी है, बाय की एंट्री नहीं ढूंढनी। अगर बाय की एंट्री आपको दिखती भी है तो उसे इग्नोर मार दें, उसको फॉलो ना करें, बस आप सेल सेल पे ही फोकस रखें, जहां पे भी आपको सेल दिखता है वहां पे आप सिर्फ सेल लगाएं, अगर बाय की अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप बाय लगाएं,
अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग तो मेरे को सेल दिखाई दे रहा है, तो मैं सेल ही सेल लगाऊंगा और बाइंग नहीं लगाऊंगा इस जगह। तो ये तो हमारा हुआ बड़े टाइम फ्रेम थोड़ा सा। तो बड़े टाइम फ्रेम में देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, जहाँ पे भी आपको, आप देखो बाय की एंट्री में समझा सकता हूँ, सेल की एंट्री तो दिख नहीं रही, खैर छोटे टाइम फ्रेम में देखेगी। देखिए यहाँ पे मार्केट इस तरीके से ऊपर गया, मार्केट ने जाके इस तरीके से चला, मार्केट ने ये किया, मार्केट ने जैसे अभी तक तो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ यहाँ पर, अब मार्केट ट्रेंड चेंज करता है, तो ट्रेंड लाइन कुछ इस प्रकार थी, मार्केट ने यहाँ दिया, अब आप एंट्री यहाँ लगा सकते हो आराम से। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट करके रिटेस्ट दे दिया है। अब आपने फर्स्ट ये हो गया, मार्केट नीचे गिरा, छोड़ दो, जैसे ही आपको दिखाई दे यहाँ पे दोबारा आपको बाई की एंट्री मिल रही है, कोई एक कैंडल जैसे कि आप इस तरीके से आप ट्राइजेक्शन को फॉलो कर सकते हो, इस तरीके से ट्रेंड लाइन को लगा सकते हो, जैसे ट्रेंड लाइन लगाओगे मार्केट इस जोन को जैसे तोड़ती है आप यहाँ पर एंट्री लगा सकते हो। यहाँ पर जैसे एंट्री लगाओगे तो आपका टारगेट वैसे तो ये होना चाहिए, आपका टारगेट, पर इसने अभी टारगेट हिट नहीं किया तो वैसे आपका एसएल ये होना चाहिए, तो एसएल को भी इसने हिट नहीं किया, तो मार्केट दोबारा भले नीचे गिरते पर दोबारा देखते हैं न्यूज आई है, शायद मेरे को न्यूज से कैंडल देखने को मिलती है तो डायरेक्टली आपका टारगेट हिट कर देती है, तो मार्केट ऊपर जाती है, तो मार्केट धीरे धीरे करके फिर नीचे आता है, तो मार्केट दोबारा उसी लाइन पे आता है, उसी ट्रेंड पे आता है दोबारा, फिर मार्केट दोबारा बाय की आपको अपॉर्चुनिटी देता है, फिर मार्केट देखिए फिर नीचे आता है। जब जब मार्केट आपको बाय की अपॉर्चुनिटी देगा तब तब आप बाय लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका ट्रेंड बाय था, ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड लगाते हो आपका लॉस नहीं होगा। अब मार्केट ने देखी यहाँ पे ट्रेंड ये कैंडल होगी, तो मार्केट ने इस कैंडल ने ब्रेक किया, ये आपका रिटेस्ट हो गया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, जैसे मार्केट नीचे आता है तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक जोन बनाता है मार्केट, ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया। जैसे मार्केट नीचे के प्रेशर देती है आप यहाँ पे आंख बंद करके ट्रेड लगा सकते हो, देखें किस तरीके की आपको मूवमेंट देखने को मिली है। इसका सिग्नल कल मैंने अपने चैनल पे दिया था, अगर आपको देखना हो तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे एक पिन भी बनी है जो कैंडल बता रही है कि नीचे का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जो कि मार्केट नीचे को धक्का देने वाला है, तो मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया। अब हम चलते हैं थोड़ा और टाइम फ्रेम छोटे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं करते हैं, बहुत से लोग M15 को करते हैं, M30 को करते हैं, तो हम देखते हैं थोड़ा और छोटा टाइम फ्रेम। तो देखिए यहाँ पे जब जब आपको सेल की एंट्री मिलेगी तब तब आप सेल लगा सकते हो बिना किसी डर के। देखें जैसे कि मैं यहाँ पे अगर इसको ड्रॉ करूँ तो मेरे को ये देखने को मिलता है कि मार्केट यहाँ से 3.1, 2, 3, 4 पॉइंट के बाद मार्केट ब्रेकआउट होता है, सीधा मार्केट नीचे गिरता है, तो फिर दोबारा एक बॉटम पे आता है, डबल डबल बॉटम बनाता है, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, यानी कि दोबारा अपॉर्चुनिटी दे रहा है सेल। टाइम फ्रेम अगर बड़ा देखा जाए तो मार्केट क्या है, सेल, और यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलता है, मार्केट दोबारा क्या जा रहा है, सेल, तो मार्केट दोबारा सेल जरूर जाएगा, ये मार्केट दोबारा नीचे गिरेगा, क्योंकि मार्केट ने अभी कुछ भी तोड़ा नहीं है यहाँ पर, यानी कि मार्केट ने अभी कोई ट्रेंड नहीं तोड़ा यहाँ पे, जैसे कि मार्केट डायरेक्टली डायरेक्ट ऊपर चला गया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया, अब घूमते फिरते फिर नीचे गिरेगा, जैसे कि अभी 11:24 हो रहे हैं तो ये 12:30 बजे मार्केट गिरने लग जाएगा दोबारा नीचे, तो अभी मार्केट थोड़ा रेंज रहेगा, क्योंकि अभी यूएस जैसे GBP का सीजन चालू होता है, फिर रात शाम के टाइम USD सेशन चालू होता है, तो उस टाइम पे मूवमेंट होती है, तो USD का सेशन जब चालू होगा तब शाम हो रही होगी तब हमारा कैट चलता है, कैट और USD हमारा साथ में ओपन होता है, तो उस जगह उस टाइम पे आपको मूवमेंट देखने को मिल जाएगी इसमें, तो मार्केट दोबारा ये सेल करेगा। तो टाइम फ्रेम देख सकते हो, बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये सेल है, तो आप ट्रेड लगाओ छोटी सी और होल्ड रख सकते हो, क्योंकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके चली जाएगी। इसका सिग्नल मैं आपको देता रहूँगा और भी अपडेट देता रहूँगा इसी तरीके से, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जरूर, क्योंकि ऐसे ही एनालाइज और आइडियाज़ मैं आपको बताता रहूँगा, और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेना। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Take a step back.